दोस्तों आज के वीडियो में अपन राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं न्यू फॉर्म, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए फीस लगती है या नहीं लगती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं कि गर्ल्स की फीस लगती है या नहीं लगती है। तो दोस्तों इसमें गर्ल्स की फीस नहीं लगती है, इसमें केवल गर्ल्स के लिए 30 रुपए का शुल्क जमा कराना पड़ता है। जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसका शुल्क जमा कराना पड़ता है, बाकी जो गर्ल्स है उसके लिए फीस नहीं लगती है। अगर आज से अगर आपको बोला जा रहा है कि फीस लगती है या फीस आपसे ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट जिस स्कूल से फॉर्म अप्लाई होता है वहां पर संपर्क करें, तो वहां से आपके ओनली 30 रुपए से ही आपके फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे 10th के लिए और 12th के लिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कभी भी पढ़ाई नहीं करते तो स्टेट ओपन बोर्ड का फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। उसके अलावा जो 10th फेल है या 12th फेल है तो वो स्टेट ओपन बोर्ड से करना चाहता है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है, इन सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों सभी के लिए बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल मार्कशीट तो सभी की चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी उनका कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी बता दूंगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई करी है तो उनके लिए मार्कशीट, जो पिछले जो भी आपने पढ़ाई करी है उसकी मार्कशीट चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड बहुत ही जरूरी होता है, आधार कार्ड। इसके अलावा फोटो, यानी 2 फोटो चाहिए आपकी, ठीक है। इसके अलावा TC, ये जो TC है वो आपके, अगर आपने डायरेक्ट पहले 6th या 8th तक पढ़ा है और 10th करना चाहते हो, या फिर बाद में आप 10th के बाद 12th करना चाहते हो, तो TC इतना कोई मैटर नहीं करती है, कभी कभी TC भी मांग लेते हैं, बाकी ये जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा राशन कार्ड, जो बिल्कुल यानी पढ़ाई नहीं करी है तो उससे राशन कार्ड लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके इतने जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो 10th में फेल हो गए तो वो 10th जैसे RBSE बोर्ड से स्टेट ओपन बोर्ड में जाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं TOC, तो वो अगर स्टूडेंट है तो उनकी जो 10th की फेल की मार्कशीट होती है वो लगती है। उसके अलावा जो पास हो गए जिन सब्जेक्ट में, उसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट लेना चाहते हो स्टेट ओपन में, तो उससे आपको पास कराया जाता है, स्टेट ओपन बोर्ड की मार्कशीट मिलती है, ठीक है। ऐसे ही 12th का प्रोसेस रहता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह आपको स्टेट ओपन बोर्ड का फॉर्म भरोगे तब ये डॉक्यूमेंट्स लगाने। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही आप स्टेट ओपन बोर्ड के सभी जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, ऐसे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे।